भाई चोरी का वो लगा दूंगा यहाँ से निकल जाओगे फालतू में। लगाओ चोरी जाओ, चोरी कर लो। हाँ जी मोबाइल बंद रखो। नहीं सर मोबाइल की बात नहीं, चोरी का इंजाम लगा फालतू। चोरी का इंजाम लगाओ ना पहले मेरे पे, क्योंकि फालतू नहीं नहीं सर मैं चोरी का, आपने बोला ना कि चोरी का इंजाम लगाऊंगा, पहले चोरी का इंजाम लगाओ। सर बुलाओ आप जिस मर्जी को बुलाओ, आपने बोला कि मेरे पे चोरी का इंजाम लगाओगे बेफालतू। क्यों पैसे लगा रहे फालतू? नहीं चोरी का इंजाम लगाओ पहले सर मेरे पे, आपने बोला कि मैं चोरी का इंजाम लगाऊंगा, मेरे पे लगाऊंगा चोरी का इंजाम पहले। जाओ जाओ बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड, सर बुलाओ हाँ चोरी का इंजाम लगाओगे आप। हैं IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक बड़ा नाम है और लोगों को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस नाम से, या फिर यूँ कहें कि कॉरपोरेशन से, क्योंकि आपके सिलेंडर का कनेक्शन हो या फिर पेट्रोल का पेट्रोल की बात हो जो सप्लाई होती है पेट्रोल पंप्स पर, कई सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन जब आप कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनके कुछ अधिकारी ऐसे हैं, शायद उनको ये गरूर है कि वो IOCL में है। ये वीडियो छोटा सा क्लिप आपने देखा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किसके साथ हुआ, किस शख्स को ये बोल रहे हैं अधिकारी साहब कि आप पर मैं चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अपना काम करवाने गया था और शायद अधिकारी जितने बिजी थे या फिर उनका मन नहीं था काम करने का, वो उन पर टूट पड़े कि भैया चले जाओ यहाँ से बाहर, मैं चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा। मेरे साथ ये शख्स हैं, युवा हैं, यही गए थे, क्या मामला है? सर मैं गया था अपना इशू रिजॉल्व कराने, मेरा इन्होंने सिलेंडर का कनेक्शन मेरे सब कनेक्शन से कहीं और कर दिया था। तो जब मैं इनके पास गया तो मैंने इनको अपना इशू बताया तो ये मेरे से आर्ग्यूमेंट करना शुरू हो गए, कहते कि आपको नहीं पता मेरे को ज़्यादा पता है, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। मैंने पहले बोला कि आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए, मैं आपको आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, आज मेरे को आपसे एड्रेस कीजिए। फिर वो बोलते कि यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं वरना चोरी का इंजाम लगा दूंगा, सिक्योरिटी गार्ड से यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। ठीक है कौन ये सर? इनके शायद से सेल्स मैनेजर है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है। क्या नाम है? नाम सर मेरे को पता नहीं, मैं उस फोटो में आपको बता दूंगा। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, ये वीडियो आप देख लीजिए किस तरह से, हालांकि इनका वीडियो उतना ही चंक बना है, आप सुन लीजिए वो वीडियो कि उस वीडियो में क्या वो जनाब कह रहे हैं, आप क्या खुन्नस थी, क्या गुस्सा था कि एक ग्राहक अगर आपके पास आ रहा है अपनी परेशानी लेके तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। पहले ये वीडियो देखिए फिर इनसे और बात करें। भाई चोरी का लगा दूंगा यहाँ से निकल जाओगे फालतू में। लगाओ चोरी जाओ, चोरी कर लो। हाँ जी मोबाइल बंद रखो। नहीं सर मोबाइल की बात नहीं, चोरी का इंजाम लगाओ फालतू। अरे चोरी का इंजाम लगाओ ना पहले मेरे पे, क्योंकि फालतू नहीं नहीं सर मैं चोरी का, आपने बोला ना कि चोरी का इंजाम लगाऊंगा, पहले चोरी का इंजाम लगाओ। सर बुलाओ आप जिस मर्जी को बुलाओ, आपने बोला कि मेरे पे चोरी का इंजाम लगाओगे बेफालतू। क्यों पैसे लगा रहे फालतू? नहीं चोरी का इंजाम लगाओ पहले सर मेरे पे, आपने बोला कि मैं चोरी का इंजाम लगाऊंगा, मेरे पे लगाऊंगा चोरी का इंजाम पहले। जाओ जाओ बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड, सर बुलाओ हाँ चोरी का इंजाम लगाओगे आप। हैं वीडियो आपने देखा, वो कैसे बोल रहे हैं कि चोरी का इल्जाम लगा दूंगा? भैया तब तो सरकारी दफ्तर में कोई जा ही नहीं पाएगा, ऐसे ही अगर हर अधिकारी कहने लगेगा फिर तो काम, मतलब मुझे लगता है फिर तो दफ्तर में एंटर करना भी गुनाह हो जाएगा, डर लगेगा कि कहीं चोरी का इल्जाम लगवा के जेल में ना डलवा दें। आप ये सिलेंडर कनेक्शन का मामला था आपका? हाँ सर सिलेंडर कनेक्शन अच्छा। का मामला था, इन्होंने मेरा सिलेंडर कनेक्शन कहीं और ट्रांसफर कर दिया अच्छा। कोई ब्रांच में जो मेरे घर से कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा कहाँ से आया आप? मैं तो बिश्नाह से हूँ। अच्छा बिश्नाह से कहाँ ट्रांसफर कर? ये कहते हैं कभी सैनिक कॉलोनी जाओ अच्छा। कहीं बोलते हैं परमंडल मोड़ जाओ सिलेंडर लेने एक सिलेंडर लेने में आपको सैनिक कॉलोनी जाना पड़ेगा, गाड़ी का 300-400 का तेल फूंक के। ये किसने किया ट्रांसफर? ये अपनी मर्जी से, इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, कोई लेटर नहीं किया, कुछ नहीं दिया, अपनी मर्जी से इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा उसके बाद जब मैं इनके पास गया कि मेरा इशू रिजॉल्व कीजिए, ये मेरे से बदतमीजी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो एक ऑफेंस है किसी पे यूजलेस अनरीजनेबल चार्ज क्लेम करने, इन्होंने बोला मैं आपको अपने ऑफिस से बाहर निकालूंगा, आप पे चोरी का इल्जाम डालूंगा, ये बोला इन्होंने। इससे पहले कुछ बात हुई थी? इससे गलतफहमी क्यों? कुछ ये अपने एटीट्यूड में थे कि अच्छा। भाई मेरे पास कुर्सी है, मैं कुछ भी करूंगा, आई एम सुप्रीम, नथिंग इज अबव मी, नथिंग इज बिलो मी, मैं अच्छा। बहुत बड़ा आदमी हूँ। इनकी इस चीज की गर्मी है कि मेरे पास कुर्सी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब बात समझ नहीं आ रही है भैया, ग्राहक है आपका, अगर वो माफ कीजिएगा, एक ग्राहक अगर आपके पास आ रहा है कोई काम लेकर, वो परेशान है, बिश्नाह से कोई बंदा अगर वहां जाएगा सिलेंडर भरवाने, यार थोड़ा सा तो खुद भी दिमाग लगा लीजिए, इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर आप बैठे हैं थोड़ा दिमाग तो लगाइए। और आप उसे कह रहे हैं कि चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, जेल में डलवा दूंगा, ये कर दूंगा, फला कर दूंगा, हद हाल है आपकी। मुझे लगता है कि आला अधिकारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। एक युवा अगर अंदर आता है काम करवाने, कोई वो ज़बरदस्ती तो घुसा नहीं, उसकी एंट्री हुई होगी प्रॉपर, काम के सिलसिले में मिला होगा,
तो इसके बाद आपने कोई शिकायत या कंप्लेन किसी को की? फिर उनके सीनियर ऑफिसर थे वो आए 10 मिनट बाद, उन्होंने मेरे को बिठाया, कहते कि कोई बात नहीं, ये हम कर देंगे, कुछ नहीं होता। मैंने बोला मेरा इशू रिजॉल्व हो गया, माय मेन इशू। लेकिन वो जो शिकायत भैया Exactly. तो वो आपका अधिकारी हर किसी के साथ ऐसे ही बोलता होगा। मैंने बोला कि चलो मैं हूँ, कल को कोई हो, सब तो पढ़े लिखे नहीं है, कल को जो बंदा पढ़ा लिखे नहीं वो है तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे, कल को कोई ऑफेंस लगा में दिख रहा है वो यही exactly. कल को कोई ऑफेंस लगा देंगे, चोरी छोड़िए कुछ रेप को ऑफेंस लगा देंगे, कुछ मर्डर को ऑफेंस लगा देंगे, भैया अधिकारी साहब है कुर्सी पे बैठे होंगे, हाँ कुछ भी लगा देंगे। और फिर ऑब्वियसली इनके एम्प्लॉय इनके डिफेंस पे खेलेंगे, वो मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, उनको डिफेंस ही करेंगे। से बात हुई आपकी? हाँ, फिर इनके हायर अथॉरिटी से बात हुई तो वो बोलते हैं कि हम स्पेसिफिक एक्शन लेंगे, ये कोई बात नहीं है, ऐसा कोई होता नहीं है। पहली बार हुआ है कि किसी एम्प्लॉय ने इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बोला मेरे को इंश्योरेंस दीजिए कि आपने इनके खिलाफ एक्शन लिया, मेरे को क्या पता आपने एक्शन लिया, उनकी सर्विस उसमें डाल दीजिए। हाँ जी भैया, इनका इनका रवैया जो है वो ऐसा है, हाँ सरकारी मुलाजिम के होता है ना, वो एक सर्विस बुक होती है वो उसमें डाला जाता कि उसका कैरेक्टर क्या था, वो तो है, वो काम कैसे किया। ये तो अपने एंड से करेंगे सर, मैं तो अपने एंड से कंप्लेंट नहीं फाइल करूंगा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की। अच्छा, मैं तो बिल्कुल करूंगा, ये तो सर हमें प्रावधान दिया गया है कि आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल कीजिए, जो आपने बिना रीजनेबल चीज कोई चार्ज फ्रेम करता है ये तो ऑफेंस है। फिर तो आप किसी भी आए देखिए, मैं आप ही ऑफेंस कर दूंगा। जब आपसे बहस हुई तो आप बाहर आ गए? हाँ जी, हम बाहर, मैं बाहर आ गया। देखिए इस युवक की एक मैं बात बताऊँ, आजकल युवा जो है गर्मजोशी होती है, कोई भी ऐसी बातें सुनता नहीं है, लेकिन इस युवक ने बात सुनी, अपना फ़ोन में रिकॉर्ड किया और बाहर आ गया और हमसे भी बात हुई तो फिर जो भी मामला पूरा डिस्कस हुआ। लेकिन कई ऐसे मामले देखे हैं जहां पर हाथापाई हो जाती है। आज के जो पीढ़ी है, जो ये जिस तरह से ये युवा हैं अभी यंग ही हैं, लेकिन इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया, तरीके से बाहर आए और पूरा मामला भी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं जो है इस पर लीगल भी एक्शन लूँगा या उसमें कंप्लेंट दर्ज करूँगा, उसमें भी जाऊँगा। अभी कुछ लगता है आपको कि इन पर कोई कार्रवाई होगी या कुछ उम्मीद है? अभी तो सर इन्होंने, क्योंकि आप ग्राहक हैं इनके। जी जी जी, आप ही की वजह से ये कॉर्पोरेशन चल रही, ग्राहक हैं तो भैया उन्हीं की वजह से चल रही है ना कॉर्पोरेशन। मैं तो टैक्स पेयर हूँ, आप सब टैक्स पेयर हो, हमारे टैक्स की वजह से सैलरीज मिल रही है, हमें धमका रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हो, मैं टैक्स दे रहा हूँ, सब टैक्स मिलकर सैलरीज मिल रही है, एग्जैक्टली इनडायरेक्टली हम इनको पे दे रहे हैं, पर ये हमें धमका रहे हैं। एक बैठी किसके लिए है? देयर फॉर अस। अब इनके बड़े अधिकारी से उम्मीद है कोई? अभी सर इन्होंने बोला है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, चलिए, बोलने और करने में बड़ा अंतर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो का संज्ञान जरूर लिया जाना चाहिए। ये IOCL का जम्मू मंडल एरिया कार्यालय है, आपको बता दूँ जम्मू डिविजनल और एरिया ऑफिस है। इस के जो अधिकारी जिनका ये वीडियो है उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए पूछा जाना चाहिए, भैया कल को आप तो ये तो पढ़ा लिखा युवा था, समझ गया, उसको सारी चीज़ें नॉलेज थी, कोई गरीब व्यक्ति उस तरह से आएगा, अनपढ़ बंदा आ जाएगा तो उसको तो आप भाव ही नहीं दोगे, मतलब आप तो उसको एंट्री ही नहीं दोगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता होगा, लेकिन इस वीडियो से कई चीज़ें सवाल जो हैं वो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो फिलहाल अब देखते हैं कि इस वीडियो के बाद यहां से क्या निर्देश जारी होते हैं उस अधिकारी के लिए जिन्होंने अपनी एक तरह से वो दिखाया कि मैं कुर्सी पे हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, झूठे इल्ज़ाम भी आप पर लगा सकता हूँ।